प्रेरणा कथा। मदद करें पर जगाए नहीं। एक दिन कुछ पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे और आनंद में थे। कुछ छोटे पक्षी भी उड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक छोटा पक्षी भी उड़ने का प्रयास करते करते अपने घोंसले से बहुत दूर तक निकल गया। वो नन्हा पक्षी अभी ज्यादा दूर तक उड़ भी नहीं सकता था। उसके परिवार के अन्य पक्षी बहुत दुखी थे और सब उसके वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। उस छोटे से पक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घोंसले तक कैसे पहुंचे। वो बहुत थक चुका था। उसने उड़ने का फिर से प्रयास किया पर वो थोड़ा ऊपर उड़कर फिर से नीचे गिर गया। कुछ दूरी पर एक अपरिचित पक्षी अपने मित्र के साथ उस छोटे पक्षी के प्रयासों को देख रहा था। कुछ देर वो सब देखते रहे और फिर वो उस छोटे पक्षी के पास आए। वो छोटा पक्षी उन दो अपरिचित पक्षियों को देखकर डर गया। कुछ देर बाद जब उसने महसूस किया कि वो दो पक्षी उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहते तो उसने सोचा कि वो शायद उसको उसके घोंसले तक पहुंचा दे। उस अपरिचित पक्षी ने छोटे पक्षी से कहा, क्या हुआ छोटे पक्षी, तुम किसी मुसीबत में दिख रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? छोटे पक्षी ने डरते डरते कहा, मैं भटककर अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया हूं। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। मैं तो अभी ज्यादा दूर तक उड़ भी नहीं सकता। मेरे परिवार के लोग बहुत परेशान होंगे। क्या आप मुझे दूर तक उड़कर जाने की कला सिखा सकते हैं? मैं बहुत तेज से प्रयास कर रहा हूं पर मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। अपरिचित पक्षी कुछ सोचने लगा और फिर बोला, तुम्हें इतनी दूर आना ही नहीं चाहिए था। तुम अभी बहुत छोटे हो और इतनी शक्ति नहीं है कि तुम लंबी उड़ान भर सको। अपरिचित पक्षी और उसके मित्र ने अब छोटे पक्षी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनकी बातें सुनकर छोटे पक्षी को बहुत क्रोध आया। उस अपरिचित पक्षी ने कहा, देखो हम दोनों तो दूर तक उड़ सकते हैं और अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। उस अपरिचित पक्षी ने छोटे पक्षी के सामने ही एक उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद वो लौटकर वापस जमीन पर आ गया और फिर छोटे पक्षी को कुछ कड़वी बातें बोलकर फिर से उड़ गया। उस अपरिचित पक्षी ने फिर दो तीन उड़ानें भरी पर अपनी सातवीं उड़ान के बाद जब वो अपरिचित पक्षी नीचे आया तो उसने देखा कि वो छोटा पक्षी वहां नहीं था। उस अपरिचित पक्षी ने अपने मित्र से कहा, क्या वो छोटा पक्षी उड़कर चला गया? वो अपरिचित पक्षी बहुत ही प्रसन्न दिख रहा था। उसके मित्र पक्षी ने कहा, हाँ वो छोटा पक्षी उड़ गया पर तुम इस तरह क्यों खुश हो रहे हो? तुम तो उसको कितना मजाक उड़ा रहे थे। अपरिचित पक्षी ने अपने मित्र से कहा, दोस्त तुमने मेरी वही बातें ध्यान से सुनी जो नकारात्मक थी। तुमने ये नहीं देखा कि वो छोटा पक्षी मेरी सकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। वो मेरे मजाक पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था जितना वो मेरी बार बार होने वाली उड़ानों पर दे रहा था। वो मेरी उड़ानों को बहुत ध्यान से देख रहा था और अंत में वो भी लंबी उड़ान भरने में सफल हो गया। उसके मित्र ने फिर से कहा, पर यदि तुम उसको उड़ना सिखाना ही चाहते थे तो तुम उसको उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? उसको सीधे सीधे उड़ना क्यों नहीं सिखाई दिया? अपरिचित पक्षी ने कहा, मेरे दोस्त जो छोटा पक्षी आज पहली बार इतनी लंबी उड़ान भरा है और वो मुझको नहीं जानता था, अगर मैं उसको ऐसे ही उड़ना सिखा देता
तो वो पूरा जीवन मेरा आभार मानता रहता और खुद जीवन में शायद और कोशिशें नहीं करता। उसका मित्र हैरान होकर अपने मित्र को देख रहा था और उसकी कही बातों को सुन रहा था। अपरिचित पक्षी ने कहा, मैंने उस छोटे पक्षी में लगन देख ली थी। जब वो कोशिश कर रहा था, मैं तभी समझ गया था कि उसको बस थोड़ी सी दिशा देने की जरूरत थी। वो दिशा उसने अनजाने में प्राप्त कर ली और वो सफल हो गया। अब वो किसी भी काम में किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं करेगा और खुद ही कोशिश करेगा। इस तरह उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। मित्र पक्षी ने अपने मित्र अपरिचित पक्षी की प्रशंसा की और कहा, तुम बहुत ही महान हो। जैसी मदद तुमने उसकी की है, वही सच्ची मदद है। मित्रों, सच्ची मदद वही होती है जिसमें मदद लेने वाले को यह महसूस ही ना हो कि उसकी मदद की गई है। हम में से अधिकांशतः लोगों की मदद तो करते हैं, पर बाद में अपनी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं और अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। दान तो ऐसा होना चाहिए कि बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। अगर आप किसी की मदद बिना बताए करते हैं तो उसको ग्लानी नहीं महसूस होती और वो खुद भी अपनी मदद करना सीख जाता है। पुराने लोग इसी गुण को गुप्त दान कहा करते थे। सहयोग करिए और जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए, पर उनको ये महसूस मत होने दीजिए कि वो आपके कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। दान देना भी एक कला है जो कुछ लोगों को ही प्राप्त है। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।